हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पम्मी ब्यूटी वर्ल्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है हैवी हेयर्स में वन लेंथ हेयर कट कैसे करें। ज़्यादा हेयर्स जब हेल्दी होते हैं या भारी होते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम हेयर कट करते हैं घर पर या पार्लर में, एक ही बार कट करने से हमारे हेयर्स प्रॉपर तरीके से कट नहीं हो पाते। कभी हमें इधर से काटने पड़ते हैं, कभी उधर से। तो ऐसे में आप क्या करो कि थोड़े थोड़े सेक्शन लेके हेयर कट स्टार्ट करें। सबसे पहले कान तक के हेयर्स लेने हैं आपने, ज़्यादा कम हेयर्स नहीं लेने, क्योंकि हमारे नीचे के हेयर मोस्टली क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं जब हम रबस लगाते हैं, जूड़ा करते हैं, तो ऐसे में नीचे के बाल टूटते हैं और वो छोटे होते हैं। तो ध्यान रहे कि आप नीचे के हेयर्स जब भी कट करें तो कम से कम कान तक के हेयर्स लें, ताकि आपकी गाइडलाइन प्रॉपर क्लियर हो। ज़्यादा कम गाइडलाइन ना लें, क्योंकि इससे आपके बाल ज़्यादा छोटे हो सकते हैं। कान तक के हेयर्स ले लिए हैं और उसके बाद उन्हें अच्छे से टेंगल फ्री करना है आपने। पहले क्लाइंट से पूछ लें कि आपके कितने हेयर कट करने हैं। ये नहीं कि आप ज़्यादा कर दो और फिर वो बोले कि हाँ मेरे ज़्यादा हेयर कट हो गए। सबसे पहले गाइडलाइन आपकी रेडी हो जाएगी, इक्वल कर लें। उसके बाद ऐसे ही प्रॉपर सेक्शन उतारते जाना है और हेयर कट करते जाना है। हेयर कट करते समय आपने इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपके हेयर्स प्रॉपर वॉश होने चाहिए। दूसरा कि आप पहले बालों को अच्छे से टेंगल फ्री करें, सेक्शनिंग करें, उसके बाद ही आप हेयर कट स्टार्ट करें। और कॉम्ब रूट से करें ताकि बीच में कोई भी टेंगल ना रहे और आपका हेयर कट प्रॉपर और इवन आए। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए जब आप हेयर कट करोगे तो आपका कट हमेशा इवन आएगा। और जिस तरीके से हम हेयर कट कर रहे हैं, पहले हमने सिर्फ कान से इधर वाले ही बाल लेने हैं, ईयर टू ईयर पार्टिंग के बाल नहीं लेने, सिर्फ बैक के हेयर्स लेने हैं और ईयर टू ईयर वाले बाल आपने बाद में लेके उतारने हैं। फिर उनको इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मिलाते हुए कट कर देना है। पहले सारे हेयर्स बैक के ही कट करने हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो आगे के हेयर्स हैं वो ज़्यादा छोटे नहीं होंगे। इस हेयर कट को वन लेंथ बॉब कट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा आगे का बाल है वो ज़्यादा कट नहीं होता, बस एक इवन लुक आ जाती है। और इस हेयर कट का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, क्योंकि जब भी हम यू या वी हेयर कट करते हैं उससे जब हमारा हेयर्स इतना भारी नहीं लगता। अगर हल्के हेयर्स हों जिनके ज़्यादा भारी ना हो, तो उन्हें हमेशा वन लेंथ हेयर कट ही करवाना चाहिए। उससे उनके हेयर्स में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम दिखाई देगा और बाल ज़्यादा भारी दिखाई देंगे। पर जिनके हैवी हेयर्स हों, हेल्दी हों, तो वह यू या वी हेयर कट करवा सकते हैं। पर जो हमारे क्लाइंट हैं उनकी डिमांड थी कि उन्हें वन लेंथ हेयर कट करवाना है, तो इसलिए हम उनका यह कट कर रहे हैं। पर हेल्दी हेयर्स वाले यू या वी कोई भी हेयर कट करवा सकते हैं, पर जिनके बाल हल्के हों वो हमेशा वन लेंथ हेयर कट करवाएंगे, तो उनसे उनके बालों की वॉल्यूम भी ज़्यादा लगेगी और हेयर कट भी अच्छा होगा। बैक का हेयर कट कंप्लीट करने के बाद आपने ईयर्स टू ईयर्स की जो सेक्शनिंग की है वहाँ के हेयर्स को खोलना है और वहाँ से हेयर्स के सेक्शन लेने हैं, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेने हैं। जैसे आपने बैक के हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिए हैं, हॉरिजॉन्टल मैंने सीधी स्ट्रेट लाइन, इसी तरीके से आगे के भी हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेने हैं। और जो बैक के हेयर्स हैं उनको गाइडलाइन लेते हुए उनके साथ मैच करके कट कर दें। इस तरीके से आपका वन लेंथ हेयर कट कंप्लीट हो जाएगा और प्रॉपर लुक भी आ जाएगी और बाल छोटे बड़े नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर माय 300 सब्सक्राइबर्स। आप सब ने इतना सपोर्ट किया, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रही हूँ। उससे मुझे और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए भी मोटिवेशन मिल रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉच करें। मैंने बहुत सारे हेयर कट की, मेकअप की और काफ़ी सारे वीडियो डाल रही हूँ, वैक्सिंग, फेशियल, जितने भी जो भी एक्सपीरियंस है वो सब मैं आपके साथ यूट्यूब पे शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माय चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।